हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में अपर फॉर्मूले का यूज। हम दोस्तों, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में किसी भी केस को अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपने स्मॉल में लिख दिया पूरा कोई रिपोर्ट और उसको कैपिटल में करना है, अगर आपने पूरा कैपिटल में लिख दिया तो उसको स्मॉल में टाइटल केस में करना है, टाइटल या फिर अदर किसी केस में करना है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल में आप कैसे करेंगे? तो एमएस एक्सेल में कोई भी केस का कोई कमांड नहीं दे रखा है, उसमें दे रखा है फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में मैंने जो नाम की लिस्ट बना के रखा हुआ है वो स्मॉल में लिख के रखा हुआ है, मुझे यहां पर करना है अपर केस में यानी कैपिटल में करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? हमको क्या करना है, यहां पर इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद यहां पर अपर लिख देना है। जैसे अपर लिखेंगे तो फॉर्मूले का सिंटेक्स पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी आपको कौन से टेक्स्ट को अपर केस में करना है। तो मुझे इस सेल को करना है, तो इस सेल पर आपको क्लिक कर देना होगा और ब्रैकेट को कर देना होगा क्लोज। जैसे आप क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इधर जो आकाश लिखा हुआ है वो स्मॉल लिखा हुआ, इधर आकाश लिखा हुआ है वो अपर में लिखा हुआ। और क्या करना है, ये हमारी जो टेबल है वो छोटा टेबल है, आपका हो सकता है बड़ा डाटा हो सकता है, जैसे कि हजारों की संख्या में हो सकता है, उससे ही बड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देना, जो भी डेटा इस सेल इस कॉलम में होगा वो पूरा डेटा दो क्लिक में आपका अपर केस में चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी फॉर्मूले में आपको एक एक करके सभी समझाने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।